अमित शाह की नीति पर कांग्रेस नेता ने ली चुटकी। महाराष्ट्र के बहाने सिब्बल ने मारा शाह पर ताना। महाराष्ट्र में अजीत पवार की मदद से बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन महज 80 घंटे के भीतर अजीत पवार ने बीजेपी के साथ से वो सत्ता खींच ली। इसको लेकर एक और जहां बीजेपी की फजीहत हो रही है, तो वहीं ये पूरा घटनाक्रम विपक्ष के संजीवनी सरीखा साबित हुआ है। यही वजह है कि विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी पर, खासकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने भी अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी को देश और संविधान की कोई चिंता नहीं है। महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और कर्नाटक में भी यही किया गया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देश के ऐसे चाणक्य को मैं दाद देता हूँ, देखते हैं चाणक्य अब क्या करते हैं। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण पर सवाल उठाते हुए सिब्बल ने कहा कि 5:47 पर ऐसी क्या बात हो गई जिससे गवर्नर साहब को ये इल्म हो गया कि फडणवीस को शपथ दिलानी चाहिए और उनके पास बहुमत है। सिब्बल ने सवाल उठाते हुए कहा कि अजीत पवार ने कहा कि पूरी एनसीपी उनके साथ है और राज्यपाल ने उन पर विश्वास कर लिया। राज्यपाल को पूछना चाहिए था कि वो ये ऐलान किस आधार पर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिब्बल ने राज्यपाल पर केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे और दिशा निर्देश पर काम करने के आरोप लगाए। वही पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट को दाद देने चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही संविधान की रक्षा की। सिब्बल ने कहा कि मैं तो बीजेपी को सलाह देता हूँ कि आप और ऐसा करो, ऐसे ही करते जाओ, इससे देश की जनता को पता चल जाएगा कि आपको देश के भविष्य की कोई चिंता नहीं, संविधान की कोई चिंता नहीं है। आप किसी भी तरह से संविधान को तोड़ मरोड़ कर सत्ता पाना चाहते हैं। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने ही महाराष्ट्र के सियासी हालात पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का पक्ष रखा था। कोर्ट के फैसले की वजह से फडणवीस को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा था। ऐसे में कपिल सिब्बल का खुश होना तो बनता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।